नमस्कार, आप देख रहे हैं एनिमेट न्यूज़। मैं आपके साथ बबलू किलोरिया। मंगलवार की रात्रि में नीमच केंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मूलचंद मार्ग क्षेत्र में एक बार फिर दो पक्षों में विवाद हुआ है। यह विवाद पुरानी बात को लेकर हुआ है, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और यह पुलिस बल जो है वहां पर दुकानें बंद करवाने के साथ ही भीड़ को तीतर बितर किया गया है। वहीं इसके बाद मौके पर एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया भी पहुंचे और एसडीएम ममता खेड़े सहित तहसीलदार और नीमच सिटी और नीमच केंट सहित बगाना थाना प्रभारी अपने साथ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और पूरे हालात पर काबू पाया है। वहीं देर रात तक पुलिस ने मोर्चा संभाले हुए था। वहीं बताया जा रहा है कि यह जो विवाद हुआ था, यह विवाद मोटरसाइकिल टकराने की जो पुरानी बात है उसको लेकर हुआ था, जिसमें एक युवक जो है घायल हुआ है, जिसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया था, जहां पर उसका उपचार जारी है। वहीं जो रामचंद यादव हैं उसकी रिपोर्ट पर सादिक पिता कल्लू खां के ऊपर एक्ट्रोसिटी एक्ट और जान से मारने की धमकी देने के साथ ही मारपीट के तहत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। वहीं जो दूसरा पक्ष है उसके मेडिकल रिपोर्ट कराने के बाद उस पर भी जो प्रकरण दर्ज करने की बात सामने आई है। वहीं इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि जो पुरानी बात को लेकर यह दो पक्षों में जो विवाद हुआ था, इस हालांकि जो यह स्थिति है यह नियंत्रण में है और उनका कहना है कि एक पक्ष की तरफ से प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, तो वहीं दूसरे पक्ष का जो मेडिकल कराने के बाद उसकी रिपोर्ट के अनुसार दूसरे पक्ष पर भी प्रकरण दर्ज करने की तैयारी चल रही है। सर, मूलचंद मार्ग क्षेत्र में आप कोई विवाद के बाद सामने ही पुलिस फोर्स भी लगा हुआ, क्या है घटना का? ये दो तीन दिन पहले मोटरसाइकिल की टक्कर लगने को लेकर इन लोगों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ था, तो आज दिनांक को विजय और आरोपी सादिक दोनों आपस में मिल गए थे, तो पिछले बार की घटना को लेकर फिर से इन लोगों के बीच में विवाद हुआ है। इसमें उनका मेडिकल करा के अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और एक व्यक्ति अभी भी भर्ती है, तो उसका जो मेडिकल प्राप्त होगा उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें दोनों पक्षों को राउंड अप कर लिया है और पुलिस फोर्स लगा दी है, पॉइंट लगा दिए हैं, स्थिति कंट्रोल में है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सर, इसमें एक ही घायल हुआ है, दो हुए हैं? एक पक्ष से दो घायल हुए हैं, हल्की छोटे हैं दोनों पक्षों को, ज़्यादा बड़ी चोट नहीं है। सर, क्या क्रॉस कायमी हो रही दोनों तरफ से? मेडिकल रिपोर्ट पे देखेंगे, एक रिपोर्ट एक तरफ से कायमी हो चुकी है, दूसरी के हम मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जैसे आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।